हे hey, दोस्तों मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है मैं आपसे प्रभाववाद के कलाकार के बारे में चर्चा कर रही थी जो देगा जी हैं रेनवार हैं ईदवार माने हैं क्लोद मोने हैं पिसारो सुसली हैं पिसारो एंड सिसली हैं ये जो लोत्रेक जी हैं है, ये जो कलाकार हैं ये प्रभाववाद के कलाकार हैं इनके बारे में मैं मैं चर्चा कर रही थी तो आगे चलते हैं रेनवार जी के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें हम ऑगस्ुते यानी ऑगस्टे रेनवार के नाम से भी जानते हैं रेनवा जी का जन्म 1841 में एक बहुत पुअर फैमिली में हुआ था पुअर फैमिली में हुआ था इसीलिए उन्हें बचपन में ही एक कलाकार ने कारीगर ने अपने यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तनों पे जो पेंटिंग्स करते हैं उसके लिए उन्हें रख लिया था उन एक्चुअली इन्हें बचपन से ही पेंटिंग्स का शौक था और उन्हीं मिट्टी के बर्तनों पर ये जो अठारहवीं शताब्दी के जो कलाकार थे बुशे उनको कॉपी कर किया करते थे और उन्हीं की अनुकृति जो होती थी उनकी जो पेंटिंग्स होती थी उनकी अनुकृतियाँ बनाया करते थे उन मिचीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर और इन्हें जामुनी हल्का जामुनी जो पर्पल कलर होता है वो और ब्लू कलर के शेड्स जितने भी होते थे मोस्टली इन्हें ब्लू कलर के शेड्स बहुत पसंद थे इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में मोस्टली ब्लू कलर यूज़ भी कहीं ना कहीं हर पेंटिंग में ब्लू कलर यूज़ जरूर किया है तो ये रेनवार जी अठारह में ग्लेयर की चित्रशाला में गए और वहाँ से उन्होंने एडमिशन लिया पेंटिंग सीखने के लिए वहीं उन्हीं की मुलाकात माने जी से हुई थी देगा जी के तरह ही रेनवार जी भी एक ऐसे प्रभाववादी कलाकार थे जिन्होंने दृश्य वाहरूप का चित्रण एक्चुअली दृश्य कला जो देगा जी थे देगा जी बाहरी स्थानों पर पेंटिंग करना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं था ऐसे ही इनको ये क्या था इन्हें ये हर तरीके की पेंटिंग कर सकते थे ये बाहर इस बाहरी स्थानों पर भी पेंटिंग इन्हें बहुत पसंद थी ये एक्चुअली दृश्य के वाह रूप के साथ विषय वस्तु जनित निजी भावनाओं को चित्रित करने में मजा लेते थे एंजॉय करते थे इनकी रुचि होती थी देगा जी का दृष्टिकोण जो था वो उदासीनता का था दैट मीन्स उनकी जो पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें दूसरे रंगों का यानी डल कलर्स का प्रयोग हुआ है लेकिन जो रेनफार की पेंटिंग्स हैं उनमें ब्राइट कलर यानी प्रसन्नता की और प्रसन्नता और स्नेह के कलर्स का दैट मीन्स ब्राइट कलर का प्रयोग किया है इन्होंने इनकी पेंटिंग्स देखते ही बनते हैं इन्होंने स्त्री के देखा जी ने स्त्री का जो चित्रण किया था वो यथार्थवाद यथार्थ व्यक्तित्व के साथ किया था दैट मीन्स देखा जी स्त्री के सुंदर रूप को दिखाने का उनका कोई प्रयत्न नहीं किया था जबकि रेनवार जी ने स्त्री चित्रण में स्त्री को आदर्श सौंदर्य लेते हुए दर्शाया था रेनवार जी के जो स्त्री चित्र थे ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हम इनके स्त्री चित्रों की ओर दैट मीन्स मतलब यह है कि रेनवार ने अपनी कला में स्त्री को देवी के रूप में दर्शाने की कोशिश की थी देवी का स्थान दिया था एक्चुअली स्त्री के शारीरिक सौंदर्य से लेकर जो पेंटिंग्स थी ये जो पेंटिंग्स बनती आ रही थी तो ये तो फ्रेंच कला में एक परंपरा थी जो बहुत पुरानी टाइम से भी लियोनार्डो नारदा विंसी ने भी बनाई थी और माइकल एंजेलो ने भी बनाई थी मूर्तियां भी बनाई थी उन्होंने और बोती ने भी बनाई थी जैसे वीनस की देवी और माइकल एंजेलो ने जी भी बनाई थी तो इस तरह से पेंटिंग तो ये पहले से ही बनती आ रही थी लेडीज के ऊपर स्त्री के सौंदर्य के ऊपर जिसका आधुनिक रूप हम रेनवार जी के पेंटिंग्स में देख सकते हैं रेनवार जी ने प्रभाववाद की छठी सातवीं आठवीं सॉरी चौथी छठी इन प्रदर्शनियों में उन्होंने भाग ही नहीं लिया था दैट जी ने प्रभाववाद की 1879 वाली प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया उसके बाद 1880 वाली में भी एटीन एटी एटीन में भी भाग नहीं लिया था दैट मीन्स चौथी पांचवी छठी चौथी पेंटिंग में मैं आपको याद दिला दूं मैंने पढ़ाया था आपको की चौथी पेंट चौथी प्रदर्शनी जब लगाई जा रही थी तो इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी अपनी मादान मादाम शार्पते और उनकी प्रतियाँ उनकी पुत्रियां जो इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय में भेजी थी और उस पेंटिंग को बहुत सराहना मिली थी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिला था तो ये उनकी चौथी प्रभाववाद की चौथी प्रदर्शनी थी जब इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी यानी एटीन में तो इन्होंने तभी से अपनी पेंटिंग प्रभाववाद में लगानी बंद कर दी थी और इन्होंने इन्हीं इनकी इन्ही जब पेंटिंग की इतनी अप्रिशिएशन हुई और ये सब मिला तो उसके बाद प्रभाववाद में फूट पड़ गई थी और उन्होंने भी और लोग भी अपनी अप्रिशिएशन पाने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में भेजने लगे थे प्रदर्शनियाँ तो इसीलिए इनमें आंतरिक झगड़े स्टार्ट हुए थे प्रभाववाद के कलाकारों में पेंट uh, uh, इन्होंने एक स्नानामग्न युवतियों का चित्र बनाया था और इस चित्र को बनाने के बाद इन्होंने दैनिक जीवन जीवन से रिलेटेड मतलब जो डेली रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड चित्र बनाए और लगभग इन्होंने आई थिंक छः हज़ार से भी ज़्यादा चित्र इन्होंने बनाए हैं जैसे इनकी कृतियों में आती है झूला है लेटी हुई लड़की है तीन पेड़ हैं दैट मीन्स थ्री थ्री ट्री मादाम शारपित और उनकी पुत्रियां हैं बगुवाल का नृत्य है स्नाना मग्न युवतियां हैं पियानो पर दो लड़कियां हैं इस तरह के इन्होंने काफी चित्र बनाए थे और इनके चित्रों में स्त्री की सौंदर्यता का विशेष ध्यान दिया जाता था और इनकी पेंटिंग्स इनकी जो पेंटिंग्स हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं हम उनकी तरफ इजिली एट्रैक्ट होते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं माने जी के बारे में माने जी जो माने हैं क्लोद मोने सॉरी माने इन्होंने फ्रांस में जब अठारह में अपनी पेंटिंग्स भेजी थी तृण पर भोजन ये उनकी पेंटिंग थी जिसकी कटु आलोचना हुई थी अठारह की बात है जब फ्रांस में राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें 6000 हजार चित्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था अस्वीकार कर दिया गया था जब उन कलाकारों ने बहुत हाहुल्ला किया था दैट मीन्स बहुत आंदोलन किया था तो दोबारा भी प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें छः छः सौ चित्र तो उसी में ये मेरा मेन पर्पज ये है कि उसी में तृण का भोजन था जिसकी कटु आलोचना हुई थी वो एडवार द्वार माने जी का चित्र था उसका मेन कारण क्या था तरण प्रभोजन के रिजेक्शन का मेन कारण ये था आटो, आटो, आलोचना का कारण ये था क्योंकि उसमें उस पेंटिंग्स में एक स्त्री है जो दो विवस्त्र पुरुषों के साथ बैठी हुई है जो उस समय उनकी संस्कृति के विरुद्ध थी बात इसीलिए इस पेंटिंग्स की आलोचना की गई थी ऐसा नहीं है ऐसे स्त्री के पहले चित्र भी बनाए गए थे माइकल एंजेलो ने भी बनाए हैं लियोनार्डो विंसी ने भी बनाए हैं लेकिन वीनस की देवी का भी चित्र बनाया गया था लेकिन इसमें दो पुरुष जो कपड़े पहने हुए हैं जो वस्त्र हैं इसीलिए वो और एक स्त्री के साथ इसीलिए उसकी आलोचना हुई थी और इसीलिए ये चित्र कटु आलोचना का विषय बना था एक्चुअली ये जो माने थे ये स्टार्टिंग से ही यथार्थवाद की तरफ आकर्षित हुए थे और ये यथार्थवाद के जो उस टाइम पे मेन कलाकार थे कुर्बे 1859 में जब माने ने एबेस्थस पीने वाला एक चित्र बनाया था तब भी उसकी आलोचना हुई थी कहा गया था कि ये किसी शराब पीने वाले एबेस्थस पीने वाले ने ही बनाया है इस तरह से उनकी पेंटिंग्स की समटाइम्स आलोचना भी हुई थी लेकिन जब उन्होंने 1855 में अलम्पिया चित्र बनाया था मैंने उसकी पेंटिंग डाली भी है अलम्पिया पेंटिंग की चित्र डाला है जब वो राष्ट्रीय प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ था और उसकी लेकिन उस पेंटिंग को वहाँ के कला समीक्षक आए हुए थे कास्ता न्यारी उन्होंने उस पेंटिंग को आलम्पिया पेंटिंग को इनकी को आ, ताश का पत्ता कहकर उसकी आलोचना की थी उसकी हंसी उड़ाई थी लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं है इनकी पेंटिंग स्वीकृत भी की गई थी आ, आ, जैसे बांसुरी वाला है वो 1866 में इन्होंने बनाया था जो यह स्वीकृत कर दिया था लेकिन 1868 में 1868 में इन्होंने दो चित्र बनाए थे एक तो एमिला जोला है दूसरी है तोते वाली स्त्री जिसको स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखने के लिए एमिला जोला एक इनके बहुत इनकी पेंटिंग्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे उन्हीं के ऊपर इन्होंने ये व्यक्ति चित्र बनाया था जिसकी भरपूर प्रशंसा हुई थी और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सराहा सराहा गया था और स्वीकृत किया गया था और इनकी जो मेन पेंटिंग्स हैं वो हैं जैसे आलमपिया है जो जो 1865 में इन्होंने बनाया था जिसकी कटु आलोचना हुई थी जो आलमपिया नहीं सॉरी आलमपिया को स्वीकृत किया गया था राष्ट्रीय प्रदर्शनी में लगाया गया था लेकिन कास्टियन ने ने इनकी आलमपिया पेंटिंग को आलमपिया पेंटिंग को ताश का पत्ता कहकर इसका मजाक उड़ाया था इसके बाद दूसरी पेंटिंग थी इनकी जो तृण पर भोजन जो लंचियन ऑन द ग्रास जो बोला जाता है लंच ऑन द ग्रास भी समटाइम्स आ जाता है एग्जाम में तो इसका इंग्लिश में भी नाम आ जाता है लंचियन ग्रास लंच ऑन द ग्रास तो ये जो पेंटिंग्स थी इनकी यानी तरण पर भोजन ये इसकी कटु आलोचना हुई थी ये पेंटिंग अठारह में प्रदर्शनी में लगाया गया था और इनकी चरावा हमें स्पेनिश गिटार वादक इनका पेंटिंग थी जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकार किया गया था बांसुरी वाला था जो बांसुरी वाला जो इन्होंने 1866 में बनाया था जो अस्वीकृत कर दिया गया था एमिला जोला और तोते वाली स्त्री इन्होंने बनाई थी जो स्वीकार किए गए थे जो 1868 की बात है तब इनकी ये पेंटिंग स्वीकार की गई थी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इन्होंने अच्छी अच्छी बियर और नाव की सवारी भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी तो इस तरह की इनकी काफ़ी पेंटिंग्स हैं इस पेंटिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ये पेंटिंग्स किसने बनाई है तो मैं आपको एक बनाऊंगी एक वीडियो जिसमें सारे कलाकारों की मेन इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स होंगी लेकिन पेशेंस रखने का थोड़ा ज़रूरत है क्योंकि मैं ये जो वो इम्पोर्टेंट काम है ये लास्ट में करूँगी पहले मैं चैप्टर फिनिश करूंगी उसके बाद मैं लास्ट में करूँगी जब मेरी बुक फिनिश हो जाएगी तो ये चीज़ें मैं बाद में लाऊँगी जिससे आप इजीली उन चीज़ों पे फोकस कर सकें और इजीली लर्न कर सकें इसके बाद हम कामिया पिसरों के बारे में बात करते हैं जो पिसरो जो प्रभाववाद के कलाकार थे जैसे मानो माने जी को मोने जी को कट्टर प्रभाववादी कहा जाता है ऐसे ही पिसारो जी भी थे और इन्हें भी प्रभाववादी का महान कलाकार माना जाता है जब ये स्टार्टिंग में जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जब ये स्विस की चित्रशाला में थे और वहाँ पेंटिंग्स के बारे में नॉलेज ले रहे थे तो वहीं इन्होंने सेजान शेजान वानगो है गोगिन जी हैं इनका इनका मार्गदर्शन किया था पिसारो जी ने पिसारो जी को शहरी चित्रण करने में बहुत मजा आता था शहरी रास्तों को चित्रित करने में इनकी बहुत रुचि होती थी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि शहरी चित्रण को प्रभाववाद का ऐसा कौन सा कलाकार है जो शहरी चित्रण को इजीली या शहरी चित्रण में उसकी विशेष रुचि थी तो वो पिसारो जी थे जिनकी शहरी चित्रण में विशेष रुचि थी इसके बाद सिसली सी हैं सिसली जिनको अल्फ्रेड सिसली जिन्हें हम अल्फ्रेड सिसली के नाम से जानते हैं इनको आकाश के चित्रण करने में बहुत मजा आता था इनके दोनों के बारे में एक बार हंसी की तरह उड़ा के इनके मजाक उड़ा के भी बोला गया था कि कोई पिसारो और सिसली को समझाओ कि आकाश नीले और मक्खन की तरह मुलायम या सफ़ेद नहीं होते हैं और कोई भी पेड़ बैंगनी लाल हरे नीले पीले नहीं होते हैं पिसारों को समझाओ सिसली को समझाओ इस तरीके से इनकी मजाक भी उड़ाया जाता था प्रभाववाद के कलाकारों का तो ऑफिसली बहुत मजाक उड़ाता ही उड़ाया ही जाता था आकाश का चित्रण करने में सिसली जी प्रमुख थे क्योंकि ये बहुत गरीब थे और ये कहीं ज़्यादा यात्रा कर नहीं पाए थे इसीलिए ये पेरिस में रहकर ही आसपास के नगरों का चित्रण किया करते थे जैसे नदी हैं बाग हैं झरने हैं बगीचे हैं आकाश हैं इनका चित्रण करने में ये बहुत अद्वितीय थे इसके बाद हम आगे चलते हैं लोहतरेक जी के बारे में लोत्रेक को विज्ञापन कलाओं के लिए जाना जाता है ये इन्होंने इनके बारे में जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोत्रेक जी सबसे पहले तो अपंग थे किसी दुर्घटनाग्रस्त तो हो गए थे और उनकी दोनों टांगे चली गई थी तो ये लो, लोत्रेक जी अपंग थे और दूसरे इन्होंने वैश्याओं के चित्र बहुत बनाए थे एक क्वेश्चन आता है जैसे एग्जाम में कि एक बहुत कुख्यात वैश्यागि के चित्रण किसने किया था तो ये लोत्रेक जी थे इन्हें एक्चुअली एक वैशागिरि को सजाने का काम सौंपा था पेरिस के कुख्यात हुए आमरास्ता नाम उसका उसको सजाने का काम सौंपा गया था जिसकी वजह से उन्होंने उस वैशाग्रह के बहुत सारे चित्र बनाए लोत्रेक जी ने लगभग तीस तो विज्ञापन चित्र बनाए थे इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि, कि किस कलाकार ने लगभग तीस विज्ञापन चित्र बनाए तो लोहतरेक जी हैं जिन्होंने लगभग तीस विज्ञापन चित्र बनाए हैं इन्होंने मधुरा ग्रहों से रिलेटेड चित्र बनाए हैं सर्कस के अंदर अन, के दृश्यों का चित्रण इन्होंने किया है तो इसीलिए इन्हें पूर्ण प्रभाववादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्होंने पेरिस के नृत्य ग्रह मधुरालय और ग्रहों से रिलेटेड चित्र बनाए हैं वैश्याओं से वैश्या। रिलेटेड चित्र बनाए हैं तो इन्हें इस चित्रण को करने में महारत हासिल थी ये इन चित्रों को बहुत इजीली चित्रित किया करते थे लोत्रेक जी तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं लोहतरेक जी के बारे में कि विज्ञापन चित्रण में कौन माहिर था विज्ञापन चित्रण में लोहरेक जी माहिर थे इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कुख्यात वैशागिरी का नाम बताइए या मद्रा गिह के अंतर्दृश्यों के चित्र किसने बनाए वो लोत्रेग जी थे या जलपान ग्रह का नाम बताइए वो काफी गारवा है मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था काफी गारवा है जलपान ग्रह जिसमें ये कला विषयक चर्चाएँ किया करते थे और इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कौन सा ऐसा कलाकार था जो प्रभाववाद से सहमत नहीं था तो देगा जी थे जो प्रभाववाद से सहमत नहीं थे जो नृत्य से रिलेटेड चित्रण किया करते थे और ऐसा के पेरिस के कुख्यात वैशाग्री का नाम बताइए रूए आमराज रूए द मूल ये कुख्यात वैशाग्री का नाम है वहाँ के पेरिस के तो मद्रा से रिलेटेड मद्रा ग्रहों से रिलेटेड चित्र लोत्रेक जी ने बनाए थे आकाश से रिलेटेड चित्र सिसली जी बनाते थे और शहरी रास्तों को चित्रित करने में पिसारो जी को बहुत मज़ा आता था तो इस तरीके के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में दोस्तों ये था मेरा प्रभाववाद से रिलेटेड चैप्टर प्रभाववाद आंदोलन था